चलिए दोस्तों, एक बार फिर हमारे पास एक नई कॉल आई है जो कि लेक सिटी मॉल आईनॉक्स कहते हैं, जिसे आईनॉक्स के नाम से फेमस है। उसके आसपास कोई विवा शोरूम है, वहाँ से हमारे पास एक कॉल आया है कि उन्होंने कोई सांप को आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ कोई सांप आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लोकेशन पे चल के कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है, किस टाइप का जानवर मिलता है, और आपको बताते हैं उस जानवर की आइडेंटिफाई करके कि वो कौन सा जानवर है, वेनमस है, नॉन वेनमस है, या फिर कोई और जानवर है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, आईनॉक्स से थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अब हम जस्ट देखेंगे कि कहाँ पे है ये विवा का शोरूम। तो आ चुका है, ठीक है, लोकेशन मिल चुकी है। आई थिंक ये वाली लोकेशन है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। अभी उदयपुर में बिन मौसम जो बारिश हो रही है, नववर्ष के उपलक्ष में जो भी चल रहा है यहाँ पे, हमारे गिरिंद शासी भी यहाँ पे आ रहे हैं जो महाराज है बागेश्वर धाम वाले। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से सांप भी उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए बाहर आ रहे हैं, बट उनको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वो किस डेट पर आ रहे हैं। आज से 21 है और 23 को वो आएंगे उदयपुर में। तो हो सकता है शायद उसी वजह से हमारे उदयपुर में थोड़ा सा वातावरण, जो माहौल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। गर्मी से बिल्कुल बारिश का मौसम आ चुका है कि मतलब कहाँ मार्च की गर्मी चल रही है और कहाँ बारिश चलने लग गई है, उस हिसाब से देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ लाइट का प्रबंध हो जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या जानवर या कौन सा सांप यहाँ निकलता है। बने रहिए दोस्तों। जैसा कि हमें बताया भैया ने कि उन्होंने सांप को यहाँ पे देखा लास्ट टाइम। आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा जानवर मिलता है। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे क्योंकि हमने अभी तक जानवर को देखा नहीं है और हमें साइड वगैरह से जानवर दिख नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने सांप को एक बार तो हाथ में ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा इजी वे से हैंडल करूंगा क्योंकि ये एक नॉन वेनमस जानवर है। इसको हिंदी में सर्प सुंदरी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम ट्रिम कैट होता है। ये बहुत प्यारा जानवर है। अभी इसको जिस तरीके से मैंने पकड़ रखा है उस तरीके से इसको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसको कोई नुकसान हो रहा है। आइए मैं आपको इसकी आइडेंटिफाई दिखाता हूँ कि ये जानवर किस तरीके से पहचाना जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके आगे जो इसके मुंह के आगे जो आपको दो ब्लैक कलर की धारियाँ दिख रही हैं, उससे एक तो ये आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सा जानवर है, और सेकंड चीज इस जानवर के तन तक तो यहाँ तक तो इसके स्केल होते हैं, उसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है ना, इस लाइनिंग की वजह से इस जानवर को हम पहचान सकते हैं। पर दोस्तों, आप कभी भी ये गलती ना करिएगा। जब तक आप पूरा इस चीज़ का नॉलेज ना ले लो तब तक किसी भी जानवर को आप हाथ में लगाइएगा क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। जैसा कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने जानवर देखा बट इनको आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, इस वजह से इन्होंने हमें बुलाया। बाकी ये नॉन वेनमस जानवर है, इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता। ये जानवर अटैक करता है, ये अटैक कब करता है और ये इस तरीके की आकृति बनाता है एस टाइप में, और अपने आप के अपने शरीर को थोड़ा सा फुलाता है और आगे वाले जो भी बंदा है या फिर जो भी जानवर है उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है कि आप मुझसे दूर रहिएगा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ तो आप भी मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। हम इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और इसको यहाँ से एक सुरक्षित जगह रिलीज करेंगे।
क्योंकि बहुत प्यारा जानवर है ये, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ आज एक न्यू रेस्क्यूअर जुड़े हैं, भूषण शर्मा, ये भी हमारे लोकल उदयपुर से ही हैं। तो एक बार इनसे पूछते हैं कि इनको एक बार जानवर हाथ में लगाने के बाद इनको क्या कैसा लगा, फील होता है। तो भूषण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? काफ़ी प्यारा जानवर है और सबसे यही गुजारिश है कि जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो तब तक किसी हिसाब से आप छेड़े नहीं उसको और ना ही उसे मारें। आप हमें कॉल करें, भैया को कॉल करें, हम एनी टाइम जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा हमें हमारी टीम से कोई भी आके इसे रेस्क्यू करके ले जाएंगे। फाइनली दोस्तों, अब हम इसको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे और नहीं ज़्यादा वक्त लेंगे आप सभी का। अब इसको हम बहुत ईजी तरीके से एक पॉलीथीन में डाल के, क्योंकि कपड़े की पॉलीथीन है इससे जानवर को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम अपने साथ इन टाइम कोई बैग कैरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एक बार एडजस्टमेंट करते हैं इस चीज़ का। कुछ समय बाद हम वो उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें हमारा काम वगैरह कैसा लगा। तो सर, हमारे पास कोई किसका आदिक आया था? महेश जी, रमेश जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश। बिल्कुल सर। सर, आप हमें बता पाएंगे कि ये लोकेशन कौन सी है? चलिए, अशोकनगर। अशोकनगर। तो हमारे पास शोरूम के पास सर का कॉल आया था, या एडिडास, ये अशोकनगर विवा शोरूम के पास में है। तो सर, हमारा काम आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। हमने सर आपसे कोई पे लिया नहीं, ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। हमारा मेन मकसद जानवर को बचाना है, पैसा कमाना नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सांप को तो हमने बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्क्यू कर लिया है। अब उसके हैबिटेट के हिसाब से उसके वातावरण में उसको छोड़ेंगे। तो चलते हैं और उसको उसके वातावरण में ड्रॉप करते हैं। आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इसलिए, और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जहाँ छोड़ने हम जा रहे हैं वहाँ खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं। हम भी देखते हैं बहुत सी रेस्क्यूअर्स की वीडियो जिससे हमें भी बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो आप भी हमारे साथ हमारी वीडियो देखते रहिएगा और अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें फॉरवर्ड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, हम एक रिलीज पॉइंट पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी हमने अशोकनगर विवा शोरूम से एक ट्रिंकेट को रिसीव किया था। अब हम उसको उसके हैबिटेट, क्योंकि उसका नेचर है, उसका अपना घर कहते हैं जिसे, अपना घर है, वहाँ उसको रिलीज करेंगे। तो आइए, तो दोस्तों आपके घर के आसपास भी अगर आपको कोई जहरीला जानवर, सांप वगैरह अगर कुछ भी दिखे तो आप हमें उसे घबराए नहीं, उसे छेड़े नहीं, उसके पास ना जाएं, आप कुछ ना करें, हमें कॉल करें, हम आएंगे, हम आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे और बहुत ही इजी तरीके से उसको वहाँ से ले जाके उसके वातावरण, उसके घर पर उसको छोड़ेंगे। घर इन द सेंस, जैसे अपना घर होता है तो ऐसे भी प्रकृति भी इन सब का घर है, बट कहीं ना कहीं हमने भी उनके घर पे जैसे कब्जा कर रखा है, रहते हैं, सड़क बना दी, घर बना दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस हिसाब से ये जानवर अपना रास्ता भूल जाते हैं।